नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कुल 10 रुपए के खर्च से आज हम बहुत ही प्यारा सा आपको एक नेक डिजाइन बना करके दिखाएंगे। यहाँ पे जो ये लेस ली है हमने, ये टोटल हमारी 10 रुपए की है, 7 रुपए मीटर है, तकरीबन हमारी ये 1.5 मीटर यहाँ पे लेस लगेगी। एक हमने यहाँ पे व्हाइट कलर का, क्रीम कलर का एक कपड़ा लिया हुआ है, शाइनिंग वाला फैब्रिक होगा। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो यहाँ पे प्लाजो है कमीज के साथ का, वो ऑफ व्हाइट ही है, तो हमें ऑफ व्हाइट ही यहाँ पे फैब्रिक यूज करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना होता है हम डिजाइन किस तरीके का बनाएंगे। डिजाइन में हम इस तरीके से एक व्हाइट पीस लगाएंगे और इस पीस में पूरे में पिनटैक्स डालेंगे, एक एक पैर चौड़ाई वाले। तो उसके लिए हमने जो ये फैब्रिक लिया है, इसकी जो इस तरीके से लेंथ देखेंगे, ये हमारी 30 इंच की, 30 इंच, और जो इस तरीके से चौड़ाई है ये है हमारी 11 इंच। तो अब चलते हैं मशीन के ऊपर। सबसे पहले इसमें पिनटैक्स डालेंगे, फिर यहाँ पे इस पीस को अटैच करते हुए बहुत ही प्यारा सा ऊपर से लेस का काम करेंगे और आपको दिखाएंगे कितनी आसानी से हम इस तरीके के नेक बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, हमें पिनटैक्स का काम करना है। तो ये 30 इंच लेंथ वाली हमारी जो पट्टी है, इसके ऊपर हम यहाँ पे पिनटैक्स का काम करेंगे, एक पैर चौड़ाई वाला। धागा हमने सेम कमीज के साथ का लगाया है। पहली सिलाई हमने 1.5 से 2 इंच का फोल्ड लगाना है और इस तरीके से लगा लेनी है। सिलाई की चौड़ाई हमारी एक पैर की होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे हल्का गैप रखेंगे और फिर से सिलाई लगाएंगे। गैप आप कम ज्यादा रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। एक सिलाई में आपको और लगा के दिखाऊंगा। गैप हमें बराबर ही रखना है, ये आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने 3 सिलाई लगाई है तो हमारे 3 पिनटैक्स यहाँ पे डल जाते हैं। पूरी पट्टी में हम सेम इसी तरीके से पिनटैक्स का काम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पिनटैक्स हमने लिए हैं डाल, और टोटल हमारा जो लेंथ हो जाती है कपड़े की, ये तकरीबन 15 इंच की है। 15 इंच ज्यादा है, थोड़ा हम कम कर लेते हैं। ये हमें 14 इंच काफी रहेगा क्योंकि इसमें लेस भी आएगी। और इसका साइज चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक रहना चाहिए साइज। अब ये हमारा 10.5 इंच है, इस साइड से भी 10.5 होना चाहिए, इस साइड से भी। इसका हम हाफ कर लेते हैं, 5.25 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे और 5.25 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट बन जाता है। अब हमें इसको फ्रंट में ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास फ्रंट, इसमें हम सेंटर पॉइंट का ध्यान रखते हुए ऐसे रखेंगे। नीचे भी सेंटर पॉइंट का ध्यान रखेंगे। अब हम साइडों से इसको स्टिच करेंगे।
दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे ये चारों साइड सिलाई लगाते हुए पैच अपना अटैच कर लिया है। अब जो सेंटर पॉइंट है हमारा ये वाला, इसमें हम इस तरीके से एक निशान लगा लेते हैं। और इस निशान के इस साइड में भी और इस साइड में भी डेढ़ डेढ़ इंच का गैप रखते हुए निशान लगाएंगे सेंटर से। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन पे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है सिलाई लगानी है। सिलाई लगाएंगे हम इस तरीके से। इस बार हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी हमारे पिनटेक्स नीचे की साइड थे हमने ऊपर की साइड इनको कर लेना है। हमने दूसरा जो निशान है उसके बाहर की साइड सिलाई लगानी है। दोस्तों पिनटेक्स का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे डिजाइन तैयार हुआ है। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर लेस का काम करना है। तो जो ये लेस है हमारे पास, इसको हम किस तरीके से लगाते हैं, हमने यहाँ पे सबसे पहले कोई भी नेकलाइन कटिंग कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे राउंड नेक कटिंग किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं सेंटर पॉइंट में और एक आइडिया ले लेते हैं ताकि हमारी लेस वेस्ट ना हो। इस तरीके से ये हमने एक आइडिया लिया है जहां तक हमारा नेकलाइन आएगी तैयार होने के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पे लेस का काम करना है। लेस जो होती है वेस्ट ना हो, इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान देना है। हम इस लेस को यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए अटैच करेंगे ऐसे। इसी तरीके से हम इस साइड में भी यहां पे लेस लगा लेंगे। दूसरी लेस भी दोस्तों हमने दूसरी साइड में यहां पे लगा ली है। अब हमें जो लेस है हमारे पास ये बाहर की साइड लगानी है बॉर्डर बनाते हुए। हम कोई सी भी साइड से लगा सकते हैं, आपने चाहे इस साइड से लगाएं चाहे इस साइड से, बस मार्जिन हमारा बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पे नोक बनाएंगे इस तरीके से।
बाहर की साइड भी हमने लेस अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें एक साइड से जैसे हमने अटैच की है तो दूसरी साइड भी यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो दोस्तों बाहर की साइड की सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है और बहुत सुंदर सा हमने यहाँ पे डिजाइन आपको बना करके दिखाया है। अब हम यहाँ पे कोई भी नेक लाइन पलट सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे राउंड शेप बनानी है, अगर आपको राउंड नहीं पसंद है तो राउंड वी भी पलट सकते हो या पान शेप भी, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरीके का आप यहाँ पे नेक लाइन पलट सकते हो। और ये भी आपने जरूर बताना है अगर हम यहाँ पे राउंड की जगह कोई कौन सी नेक लाइन यहाँ पे तैयार करें जो कि बहुत ही प्यारी लगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये सिंपल सा राउंड नेक तैयार करके जैसे नॉर्मल किया जाता है ऐसे तैयार करके पूरा पीस दिखाऊंगा कि हमारा कितना सुंदर सा ये डिजाइन तैयार हुआ है। तो दोस्तों गोल गला हमने कर लिया है यहाँ पे तैयार और आप देख ही रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमने डिजाइन बना करके आपको ये दिखाया है। और पिंटेक्स के साथ लेस के साथ सिर्फ मात्र 10 रुपए के खर्चे से हमने यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बना करके आपको दिखाया है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।